तो पृथ्वी सूरज चंद्रमा तो शुरू एक जगह हो रहे हैं, एक जगह खत्म हो रहे हैं, लेकिन ये जो शून्य फैला हुआ है ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, इसका कोई सीमा नहीं, इसलिए इसको असीम कहा, व्यापक कहा। हर इकाई इसी में रह करके ऊर्जित है, उसी में रह करके व्यवस्थित है। तो जो शून्य है जिसके बारे हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी एक वास्तविकता है। ये जो ईश्वर के बारे आप बात करते हैं, उसके बारे भी क्या बात करते हैं, वो कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, नहीं पता, हर चीज उसी में है। तो अब ये ईश्वर किसे कह रहे हैं, इकाइयों को कह रहे हैं, शून्य को कह रहे हैं, शून्य को कह रहे हैं, जो हर जगह व्याप्त है और हर इकाई उसी में रहकर ऊर्जित है, व्यवस्थित है और एक बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर रही है। तो कल इस पर थोड़ी बहुत बात हुई थी, इसी बड़ी वर्कशॉप में मिलेंगे तो इस पर और गहरी बातें भी हो सकती हैं। कोई और प्रश्न आप लोगों का है तो मैं एक आध प्रश्न और ले सकता हूँ आज के मूल्यांकन के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले। कुछ चीजें ऐसी होती है जो थोड़े में हो नहीं पाती है। तो शिक्षा संस्कार पे तो थोड़ी बात हुई थी, स्वास्थ्य संयम पे मैं इतना कह सकता हूँ, अभी लंबी चर्चा की जरूरत तो है। तो स्वास्थ्य और संयम पर अगर देखने जाए तो शरीर में क्या सुनिश्चित होगा, स्वास्थ्य, लेकिन उसके लिए स्वयं में क्या सुनिश्चित करना होगा, संयम। बिना संयम के स्वास्थ्य हो सकता है क्या? स्वयं में संयम का मतलब ये है कि मैंने अपने शरीर के पोषण करने की, सुरक्षा करने की और सदुपयोग करने की जिम्मेदारी को खुद स्वीकार रखा है। तो मैं ऐसी ही चीजें खाऊंगा जिससे शरीर का पोषण हो, ऐसे ही जगह रहूंगा जिससे शरीर की सुरक्षा हो, ऐसे ही काम करूंगा जिससे शरीर का सदुपयोग हो। तो ये जो भाव हमने अपने शरीर के प्रति स्वीकार लिया, यही क्या है, संयम का। क्या बिना संयम के अस्पताल और डॉक्टर के भरोसे शरीर के स्वास्थ्य को बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, सिर्फ बीमारियों से लड़ा जा सकता है। अगर संयम का भाव नहीं है, अस्पताल और डॉक्टर के भरोसे बीमारियों से लड़ा जा सकता है लेकिन स्वस्थ नहीं रहा जा सकता। स्वस्थ रहने के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है, संयम का भाव। ये ठीक हो गया? अब अगर संयम का भाव है तो हम पहला काम क्या ठीक करेंगे, आहार और विहार। आप लोगों की भी जरूरत है, कोई लोग थोड़ा सा उधर होकर बात कर लेंगे तो हम लोग चर्चा कर लेंगे, हम लोग इसी से चला लेते हैं। तो या मतलब लगता है कि बाकी लोगों के हिसाब से उसको ये कर रहे होंगे। भैया एक एक क्या ये दोनों तैयार कर पाएंगे आप, दोनों ही चल पाएंगे? तो कोई एक लोग उसको करिए, बहुत यहाँ चर्चा नहीं करिए तो सेशन डिस्टर्ब नहीं होगा, जो लोग कर सकते हैं आराम से उसको कर दें। तो संयम और स्वास्थ्य में देखेंगे तो जब संयम होगा तो हम पहला तो अपने आहार को ठीक करेंगे, अपनी दैनिक दिनचर्या को ठीक करेंगे, उठने